हे गाइस, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4। जैसा कि हमने यहां पे प्रॉमिस किया था कि आज से आपकी डेली क्लासेस होगी, सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर और जीके की क्लास होगी। तो जब मैंने यहां पे सिलेबस में देखा तो वहां पे मुझे करंट इवेंट्स मिले थे, ठीक है, जो आपके नेशनल लेवल के ऊपर जितना भी आपका करंट अफेयर बनेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सोचा बाद में कि क्योंकि पिछले मंथ का भी यहाँ पे थोड़ा सा करंट अफेयर जो बचा हुआ, ठीक है, और पीछे से भी आपको करंट अफेयर आएगा, तो मैंने सोचा कि उसके मैं मोर देन यहाँ पे 300 क्वेश्चंस आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। जो भी करंट अफेयर के हैं वो हम 300 क्वेश्चंस कर लेंगे एक मंथ के अंदर, जितना हो पाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जितने भी आपकी इवेंट्स हुई हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो कुछ नेशनल इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर हुई हैं, चाहे कोई अपॉइंटमेंट के ऊपर हुई है, या कोई बैंक मर्ज हो रहा, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा मोर देन 300 क्वेश्चंस के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि आज जैसे बोला था कि उसके साथ जीके के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, क्योंकि आपने तो मैक्सिमम तैयारी तो आप सभी की हो ही गई होगी, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लेके आऊँगा। ये है आपके हिस्ट्री और साइंस के लिए मिसलिनियस क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चंस ही कराऊंगा, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन के थोड़ा सा लेवल आपको देखेगा और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के ऊपर भी दे दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप हमें अदर सोशल मीडिया के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, JKSSB अड्डा सीजन 4 के ऊपर शाम को इसका PDF अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है यहाँ पे जो JKSSB अड्डा सीजन 4 के नाम पे है। एक और हमारा यहाँ पे पेज है फेसबुक का, ठीक है, वो है आपका JKSSB 4th क्लास एंड JK बैंक। जो भी JK बैंक की तैयारी कर रहा है ना, उसका वो लिंक है, वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा JK बैंक के लिए जो तैयारी कर रहा है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का यहाँ पे पेज है, यहाँ पे ये वाला JKSSB SSC रेलवे JKPSC, ठीक है, मोर देन 2700 यहाँ पे भी हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आप ये भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर डेली की आप हम अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं सीधे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर। तो गाइस ये आपका फोर्थ क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यार, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर, तो मुगल एम्परर के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर, ठीक है, बाबर। 1526 के अंदर मुगल की स्थापना हो जाती है आपकी भारत के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो आपके मुगल एम्परर सबसे पहले आए थे, ठीक है, वो तो बाबर ही थे यहाँ पे, और बाबर जो है ना, बाबर ने किसको डिफीट किया था कि तब आपका मुगल एम्परर जो इंडिया के अंदर स्थापना शुरू करी थी? तो यहाँ पे बाबर ने ना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि आपकी 1526 में होती है यहाँ पे, ठीक है, ये होती है आपकी बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है, जो कि ये आपके लोधी डायनेस्टी के आपके रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी होती है, तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी को यहाँ पे डिफीट करके अपनी मुगल की स्थापना करते हैं भाई, ठीक है जी। मुगल से पहले यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो थे आपके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वाले, ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज यहाँ पे रूल करके गई हैं, ठीक है। अब मैं उनके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 डायनेस्टीज के नाम लिख दिए हुए हैं। पहले जो सबसे पहली 5 डायनेस्टी में से सबसे पहली डायनेस्टी जो रूल करी गई थी यहाँ पे, तो वो थी आपकी स्लेव डायनेस्टी। सेकेंड आपकी आती है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड आती है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ आती है यहाँ पे सईद डायनेस्टी, फिफ्थ आती है यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। अब ये तो आपने पढ़ ली 5 डायनेस्टीज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सबसे जो लॉन्गेस्ट जिसका टेन्योर है डायनेस्टी में से, वो डायनेस्टी कौन सी है? तो वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ना, ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स यहाँ पे रूल करके गई हुई है, और सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड देखा है NCERT अकॉर्डिंग टू NCERT वो है सईद डायनेस्टी, ठीक है। ये इनके टाइम पीरियड भी मैंने रखे हुए यहाँ पे, तो आप टाइम पीरियड भी देख लेना, कई बार एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछ लेता है कि खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा, कहाँ से कहाँ तक था। तो 1219 से लेकर 1320 तक यह खिलजी डायनेस्टी का था, तो मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपको मटेरियल जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर यहाँ पे इसका PDF आपको पूरा मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर, तो इसका आंसर था बाबर, ऑप्शन नंबर B। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे,
इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। देखो ये आपके लेवल के क्वेश्चन है, वही मैंने उठाया हुआ, ये आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं फोर्थ क्लास लेवल के ऊपर, ठीक है। चाहे वो SSC का MTS का पेपर होगा, चाहे वो दिल्ली DSSRB का यहाँ पे फोर्थ क्लास का पेपर होगा, तो वो चीज़ें मैंने उठाई हुई हैं वहाँ पे, जो पुराने पेपर में फोर्थ क्लास के अंदर ये पूछी जाती चीज़ें, तो ठीक है वही मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ठीक है, कौन से साल के अंदर यहाँ पे इंडियन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन, ठीक है, मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसकी जो स्टार्टर हुई थी ये किसने की थी शुरू, ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि ये महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 8th of August 1942 को ये यहाँ पे इन्होंने स्टार्टर की थी भाई, ये क्विट इंडिया मूवमेंट भाई, ठीक है जी। अब ये क्या था कि यहाँ पे जो भी आपके ब्रिटिश के पीपल थे उनको यहाँ पे क्या करना भाई, बाहर निकालो, इंडिया से उनको बाहर निकाल देना, जो भी आपके गोरे लोग थे भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक स्लोगन जो है ना, फेमस स्लोगन इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि वो कौन से मोमेंट के दौरान वो स्लोगन यूज़ किया गया था, तो वो है आपका जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो का ये स्लोगन आपको दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको अपने माइंड में रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब बात करते हैं थर्ड की, यहाँ पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट है हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इन 1 मई 1897। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन जो है ये कब फाउंड हुई थी, मतलब इसकी डेट क्या थी, तो यहाँ पे इसकी जो डेट है वो हो जाएगी यहाँ पे 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी भाई, और उसके फाउंडर हैं वो कौन है ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हु फाउंडर रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा कि जितने भी ये मिशन्स हैं, ठीक है, उनके फाउंडर और उनकी डेट्स जो है ना वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना वो आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से किसके बर्थडे के ऊपर कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको मैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि ऑप्शन से मैं इंपॉर्टेंट बनाऊंगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन द बर्थडे ऑफ विच पर्सन नेशनल देश प्रेम दिवस इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, ठीक है, इसमें से कौन से जो आपके फेमस पर्सन थे, ठीक है, जिसके बर्थडे के ऊपर यहाँ पे नेशनल देश प्रेम दिवस मनाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के ऊपर हम यहाँ पे देश प्रेम दिवस मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन और है यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देश प्रेम दिवस जो है ना वो हम कब मनाते हैं, ये यहाँ पे डेट भी यहाँ पे आप इसको लर्न कर लेना, ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जन को हम यहाँ पे देश प्रेम दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो ये आप सभी को पता है कि इनके बर्थडे के ऊपर हम कौन सा डे मनाते हैं, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है क्या, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है, किसके बर्थडे के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के ऊपर भाई। एंड देन स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के यहाँ पे बर्थडे के ऊपर हम यहाँ पे 12th जन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होगा कि 12th जन को हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम, ठीक है, किसके बर्थडे के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के ऊपर हम यहाँ पे कौन सा डे मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, और वो कब मनाया जाता है, 12th जन को, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हम विद ऑप्शंस के साथ चल रहे हैं।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है। नहीं तो आप जब आपको फ्री टाइम होगा वीडियो देख के पूरा, उसके बाद आप लाइक डिसलाइक कर सकते हो कि जैसा आपको ये वीडियो लगी होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज मैनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम्स, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिसेंटली बी एस एफ सी एस एफ के एग्जाम में भी ये पूछा गया था पिछली बार, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये आपके इंडिया के, इनके बारे में और भी देख लेते हैं, इंडिया के यहाँ पे फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं भारत के, और प्लस फर्स्ट ये डिप्टी पीएम भी है यहाँ पे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपके कौन है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपने ये सुना होगा कि गुजरात स्टेट के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू भी है यहाँ पे, ठीक है, टालेस्ट स्टैचू है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, गुजरात स्टेट के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, वो किसके नाम के ऊपर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के ऊपर है। अब आपने मुझे ये बताना है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर स्टैचू ऑफ यूनिटी यो आपको खड़ा किया गया हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यो खड़ा किया गया, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर विच, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना भाई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। और यहाँ पे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये तो आप तो सभी को पता है कि ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, किन के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को यहाँ पे एक नाम और से जाना जाता है, मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, हु इज नोन एज मैन ऑफ पीस, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इज नोन एज मैन ऑफ पीस। तो ये क्वेश्चन हमारा है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मायोपिया ए मैन कैनॉट सी, ठीक है, जिसको मायोपिया की यहाँ पे बीमारी है उसको, आदमी को, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखता, एक तो होता है यहाँ पे पास वाला, एक तो होता है दूर वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे मायोपिया के अंदर एक पर्सन को जो है वो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे जब आप मायोपिया आएगा तो मायोपिया होता है, इसको एक नाम और भी यहाँ पे होता है इसका, शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, एक ये इसका नाम है भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है मायोपिया का क्या नाम है दूसरा, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि उसको ये पास वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो दिख जाता है, मायोपिया, जिसको मायोपिया की बीमारी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको क्या होगा कि पास वाली नज़र उसकी बिल्कुल ठीक होगी, बट दूर वाला ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा। दूर वाला ऑब्जेक्ट जब नहीं दिखा तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, पास वाली नज़र ठीक है बट दूर वाली नज़र उसको कमजोर है, वो उसको नहीं दिखाई देती है। एक तो मायोपिया था और एक था हाइपरमेट्रोपिया होता है भाई, हाइपर स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होती है यहाँ पे फार साइटनेस, इसको दूसरा नाम से जानते हैं फार साइटनेस, ठीक है। अब इसका मतलब है हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार वाली नज़र, दूर वाला ऑब्जेक्ट उसको बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है, दूर वाला ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा बट ये पास वाला ऑब्जेक्ट होगा ना वो उसको क्लियरली नहीं विजिबल होगा। तो दैट इन दैट केस उसको हम क्या बोलेंगे कि जब दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे बट पास वाला ऑब्जेक्ट कैनॉट बी, ठीक है, सीन, तो उसका हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन से लेंस लगा के, ठीक है, कौन से लेंस लगाए जाते हैं जो इसकी जो करेक्टनेस है वो बिल्कुल ठीक करी जाती है।
मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस लगता है यहाँ पे, और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर यहाँ पे कौन सा लेंस लगता है भाई, ठीक है जी। अब उनकी बात करते हैं हम, मायोपिया के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। और जब हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो इसको या करेक्टनेस इसकी ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है। आई होप कि जितना यो अभी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी भाई, ठीक है जी। अगर कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 100% जो है ना वो कोई पर्सन नहीं होता, तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता दो, नेक्स्ट टाइम हम आपको इम्प्रूव कर देंगे भाई, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं और जो रॉकेट होते हैं भाई जो स्पेस के अंदर यहाँ पे छोड़े जाते हैं, वो उनमें कौन सा मेटल जो है वो लगा होता है भाई, ठीक है जी, कौन से मेटल से वो बनाए जाते हैं एयरक्राफ्ट और रॉकेट। तो ये आप सभी को पता होगा भाई इसका क्या आंसर होगा, लेड, निकल, एल्युमिनियम या कॉपर। तो यहाँ पे बात करते हैं जब एयरक्राफ्ट और रॉकेट की, तो उसकी जो बॉडी बनी होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है भाई, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मून लाइट टू रीच द अर्थ। यो एक तो आपकी सनलाइट होती है, ठीक है, ठीक है, यो आपकी अर्थ के ऊपर पड़ती है, एंड सेकेंड इज मून, ठीक है, एंड सेकेंड इज मून, मून की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं सन की, जो सन की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है उसको कितना टाइम लगता है, वो आप सभी को पता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं जब आपकी सन की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। सन की लाइट अर्थ के ऊपर यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड के अंदर पहुंच जाती है अर्थ के ऊपर। अब बात है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मून की, जो मून की लाइट होती है वो अर्थ के ऊपर पहुंचती है यहाँ पे 1.3 सेकेंड, ठीक है, 1.3 सेकंड के अंदर यहाँ पे जो मून की लाइट है वो यहाँ पे सीधे सीधे पड़ जाती है अर्थ के ऊपर वन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक, ठीक है, ये ह्यूमन का ये स्टोमक है भाई, ठीक है, जिसको आप पेट बोलते हो, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड जो वो पाया जाता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का ये पेट क्वेश्चन होता है, एसएससी ने हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक के अंदर आप सभी को बताया कि HCl पड़ा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा होता है भाई, ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये इसका काम क्या है, ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी, हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए हमारी ये मदद करता है ये एसिड, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इज फाउंडेड इन ह्यूमन स्टोमक एंड हेल्प्स इन डाइजेशंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, विच एसिड इज हेल्प्स इन डाइजेशन, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर यहाँ पे कितने चैम्बर्स होते हैं भाई। अब सभी को होता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा चैम्बर जो है वो है कौन कौन सा भाई। तो सबसे पहला जो आता है वो आपका फर्स्ट चैम्बर आता है आपका राइट आट्रियम, गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करने ही पड़ेंगे, जब भी मेरी क्लास होगी ना आपकी जीके की, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, विद ऑप्शन आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। एक होती है राइट आट्रियम, एक होती है लेफ्ट आट्रियम, ठीक है, एक राइट होगी आट्रियम और एक लेफ्ट होगी, वैसे ही एक आपकी राइट वेंट्रिकल होती है, राइट वेंट्रिकल, एक आपकी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब ये आपको साइंस आपको साहिल सर पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि राइट आट्रियम के लेफ्ट आट्रियम के क्या फंक्शन है, कौन सा ब्लड कहाँ से जाता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पे होगा, प्योर ब्लड यहाँ पे प्योरीफिकेशन होते हैं वो कहाँ पे होगी, ये आपको पूरा साहिल सर डिटेल में आपको बताएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उनका साइंस बिल्कुल एक मेन सब्जेक्ट है उनका भाई, ठीक है, आपको एक बेसिक लेवल से वो शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक पक्का कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब बोलता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय विच एलिमेंट, जो प्यूरिफिकेशन होती है प्योर वाटर जो होता है,
ठीक है, उसके कौन सा एलिमेंट हम डाल के उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो ये दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम वाटर में डाल के वाटर की प्यूरिफिकेशन करते हैं। रिसेंटली यहाँ पे गंगा के अंदर भी यहाँ पे उसकी प्यूरिफिकेशन की, वाटर की उसकी प्यूरिफाई किया था उसको, मतलब प्यूरिफिकेशन हुई थी, तो वो भी हमने कौन सा एलिमेंट डाला था उसमें, क्लोरीन ही डाला था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है वो हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम Mg, ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, जो कार की हेडलाइट्स होती है, मतलब आगे वाली कार की जो है ना, ये वाली आगे वाली हेडलाइट्स होती है जो कार की, ठीक है ना, ये कार आपकी हुई आगे हेडलाइट है, ये आपकी लाइट पास हो रही है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कौन से मिरर जो वो यूज होते हैं भाई, कनकेव कन्वेक्स या प्लेन मिरर, ठीक है, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो सही राइट आंसर है वो आता है कनकेव मिरर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर लगे होते हैं यहाँ पे जो कार की हेडलाइट होती है, ठीक है, और ये रियर व्यू होते हैं ना, तो आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है, मुझे ये बताना है कि ये साइड मिरर होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं गाड़ी के साइड के ऊपर, यहाँ से हम पीछे गाड़ियाँ देखते हैं, जो पीछे वाली गाड़ी आ रही होती है, ठीक है, वो उसमें वो कौन से मिरर होते हैं, ये आपको मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ व्हाट, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायोप्टर का एक क्वेश्चन पक्का आता भाई, ठीक है, तो डायोप्टर जहाँ पे भी डायोप्टर यूज होगा वहाँ पे होगा लेंस, ठीक है, वहां पे होगा लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड इन द ईयर, जो पहली बार हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन हुई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा करी गई थी, एक तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, डॉक्टर क्रिस्टियाना वर्नार्ड के द्वारा, ठीक है, अब ये पूछा है कि कौन से साल के अंदर हुई थी भाई, ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1967, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसपोर्टेशन की थी हार्ट की, इसका इधर डाल दिया और इसका इधर डाल दिया भाई, ठीक है जी, वो किसके द्वारा की गई थी भाई, क्रिस्टियाना वर्नार्ड के द्वारा 1967 के अंदर। अभी गाइस ये आपके पास ये दो होमवर्क है, यहाँ पे आपको दो होमवर्क डेली में आपको यहाँ पे जब भी मैं लेके आऊँगा तो आपको दो से तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस नहीं दूंगा। जैसे साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1928, एक तो ये आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि साइमन कमीशन जो इंडिया के अंदर कब आई थी, 1928 में आई थी, एट दैट टाइम हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के तब प्रधानमंत्री कौन थे भाई, ये क्वेश्चन आपका लेवल है, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि लेवल, कि जब 1928 में साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो तब आपके प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे ABCD, तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और यहाँ पे नेट का यूज़ नहीं करना, आपने गूगल सर्च नहीं करना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नो लिख देना, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटररी वर्क ऑफ महात्मा गांधी, इन ऑप्शन में से आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है, ठीक है, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, जुगंतर, यंग इंडिया, ठीक है, तो आज के ये मेरे फाइनल क्वेश्चन यही है आपके पास, ठीक है, अगर आपको अब आपकी पूरी वीडियो तो आपने देख ली होगी ओवरव्यू कि कैसा वीडियो का यहाँ पे स्ट्रक्चर था, आपको बिल्कुल पसंद आया या नहीं आया, ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है आंसर इसका, फिर उसी के साथ हमें जब मोटिवेशन मिलेगी आपकी तरफ से, आपका पूरा एफर्ट मिलेगा, तो हम भी अपनी तरफ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे न्यू, ठीक है, जो आपने पढ़े भी होंगे और आपकी ये एक टाइम रिविज़न भी हो रही होगी। तो अब आप फ्री हो गए हो, अब आप देखना कि लास्ट में, अब ये लास्ट में ही है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, और जब आपका यहाँ पे साथ मिलेगा तब ही हमें मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहा है ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फोर्थ क्लास की, मैं और कोई एग्ज़ाम की नहीं बोल रहा, फोर्थ क्लास की जो तैयारी कर रहा है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और बता देना इस चैनल के ऊपर कि ये अब ये डेली क्लासेज यहाँ पे शुरू हो गए हैं, और यो आज शाम को जो आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, 8 से 9, वो आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स की, जो पढ़ाएंगे आपको शुभम सर, ठीक है, और फिर आपकी 9 से 10 बजे तक आपकी आएगी रीजनिंग की, जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे नवीन सर, ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है पूरा,
ठीक है, अल्टरनेट डे पे अंदर चलेंगे, दो मंडे ट्यूसडे को आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। टाइम टेबल जो है वो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक के ऊपर पूरा टाइम टेबल स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास है, आपने पेन कॉपी लेके आपने तब आपको बैठ जाना है। हमें खाली आपको सिर्फ 3 घंटे चाहिए आपके भाई, ठीक है जी। सुबह 1 घंटा आपका सुबह चाहिए 8 से लेकर 9 बजे तक, फिर उसके बाद हमें चाहिए 8 से लेकर 9 बजे तक शाम को और 9 से 10 बजे तक, ठीक है। शाम के 2 घंटे और सुबह का 1 घंटा आपको ये चाहिए हमें आपको भी, ठीक है जी। और यहाँ पे अदर सोशल लिंक जो मैंने आपको बताया था, जो हमने पहले आपको बताया मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो जिनको नहीं पता हमारा टेलीग्राम पेज कौन सा है, तो यहाँ पे JKSSB_SIGZON सर्च मारना टेलीग्राम पेज के ऊपर जाके आपको बिल्कुल मिल जाएगा। फेसबुक पेज भी यहाँ पे JKSSB_SIGZON4 के नाम से है, और JKSSB4th Class एंड JK Bank ये भी हमारा ही पेज है भाई, ठीक है। तो ये JK Bank की तैयारी कर रहा है उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर कोई इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकता है तो ये इंस्टाग्राम का पेज भी हमारे पास है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।